हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपके लिए लेके आई हूँ चैलेंज टॉपिक। जी हाँ, चैलेंज टॉपिक, हाउ टू गेट व्हाइटन टीथ इन 1 मिनट एट होम। जी हाँ, आप 1 मिनट में अपने दांतों को किस तरह चमका सकते हैं, ये आज मैं बताने वाली हूँ अपने वीडियो में। तो एंड तक बने रहेगा वीडियो में, और वीडियो के एंड में एक छोटी सी टिप और ट्रिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे आपकी दांतों की जितनी समस्या है उन सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक छोटी सी ट्रिक के अंदर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिए। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। दांतों की पीले पड़ने के कई कारण हैं। पहला, दांतों की सफाई समय पर ना करना, ब्रश ना करना। दूसरा, चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन करना। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, मीठा खाना। मीठा खाना दांतों में कैविटीज़ को बढ़ाता है, जो कई बीमारियों की जड़ होती है। तो हमेशा जब भी आप मीठा खाएं, तो उसके बाद अपने दांतों को साफ़ करें और हो सके तो कुल्ला ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अपने चैलेंज की तरफ। फ्रेंड्स, आज का चैलेंज है कि हम अपने दांतों को किस तरह 1 मिनट में चमकाएं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। पहला, हमें चाहिए नमक। दूसरा, खाने का सोडा जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ये ऑरेंज पील पाउडर। और लास्ट, सरसों का तेल। इसको स्किप करके आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपके मसूड़े छिल सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो आपके मसूड़े छिलने से बच जाएंगे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह आपको ये बनाना है। आपको लेना है नमक, खाने का सोडा बहुत थोड़ा सा, आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज पील पाउडर है, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो आपके दांतों को वाइटनिंग में हेल्प करेगा। और ये सरसों का तेल आप इतना लें कि जितना ये मिक्सचर आपका मिक्स हो जाए। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे या आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है, जो आपके दांतों को बनाएगा एकदम बिल्कुल चमकदार। तो ये देखिए, ये ब्रश है और आप इसको बहुत हल्के हाथों से दांतों में बाहर की साइड और अंदर की साइड साफ़ करें। तो देखा आपने कि कितने आसानी से आप अपने दांतों को चमका सकते हैं। ये चैलेंज है कि आप एक बार के यूज़ से ही अपने दांतों में फ़र्क पाएंगे। पहले 3 दिन आप इसको लगातार यूज़ करें और उसके बाद हफ्ते में 2 बार यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा यूज़ से आपके मसूड़े छिल सकते हैं। पेस्ट लगा लिया है और आज की टिप का टाइम आ गया है। ये मेरे पास है लौंग, लौंग का पाउडर है, ये मैंने सिर्फ ग्राइंड किया हुआ, अभी थोड़ा सा दर्द रहा है। आप इसको बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बना लें, पाउडर फॉर्म में बना लें आप इसको, ड्राई पाउडर फॉर्म में। और या जो भी ब्रांड का आप पेस्ट यूज़ करते हैं, अपने ब्रश पे लगा करके सूखा जब पाउडर होगा अपने हथेली पे रख के इस तरह, और अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करिए, तो आप देखेंगे इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जितनी भी दांतों की समस्या होगी सब दूर हो जाएगी। दांतों का कीड़ा होगा उसे भी निकालने में, लंबे समय के यूज़ से निकालने में आपकी मदद करेगा, और जितनी भी दांतों की समस्याएं हैं उन सब में आपकी हेल्प करेगा। ये थी आपकी ट्रिक। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी मत करिए, भर भर के लाइक कीजिए। थैंक यू।